नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच का प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। पांच के प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे पंजाब में हुई बीजेपी विधायक अरुण नारंग की पिटाई मामले की, जो मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। पंजाब के अलावा अब ये मुद्दा हरियाणा में भी गरमाने लगा है। जी हां, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंचकूला समेत कई जगह पर सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध किया, घटना की कड़ाई से निंदा की। हरियाणा में बीजेपी ने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया। पंजाब सरकार के पुतले फूके गए, राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बीजेपी का आरोप है कि इस घटना की जिम्मेदार पंजाब की कांग्रेस सरकार है। तो वही कांग्रेस ने इस मामले में अपना हाथ होने से इनकार किया है। किसान संगठनों की तरफ से भी घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। किसान नेता बलबीर सिंह राजोवाल का कहना है, जिन लोगों ने विधायक के साथ बदसलूकी की उनका किसान संगठनों से कोई वास्ता नहीं है। ये मामला बढ़ता हुआ देखकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने सूबे में बीजेपी विधायकों की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश जारी कर दिए। लंबे समय से पंजाब और हरियाणा में विधायकों, सांसदों, नेताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, लेकिन जब भी कोई घटना इन लोगों के साथ घट जाती है तो किसान संगठन या विपक्षी दल अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। बहरहाल, विधायक के साथ मारपीट के इस मामले में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो फिर भला आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? आज इसी मुद्दे पर अपनी खास पैनल के साथ करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस घटना पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का और बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है। एक हमारे विधायक को और वहां के कुछ लोगों ने उनकी पिटाई की, उनको निर्वस्त किया और पुलिस देखती खड़ी रह गई। तो पंजाब के इस प्रकार की हरकत की मैं निंदा करता हूं, बल्कि वहां के जो सरकार है उस सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए इस बात का, और इस विषय पर संज्ञान लेकर के और जो दोषी हैं उनको दंडित जरूर करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं, किसी का सम्मान करते हो तो सम्मान बढ़ाता है, किसी के सम्मान को कम करना उन सबका सम्मान भी घटाता है, तो उनकी मर्यादा भी इसमें से तार तार हुई है। पंजाब सरकार को भी मैं कहूँगा कि इस नाते से इतनी बड़ी घटना पंजाब में हो गई है, पंजाब गरिमा के लिए जाना जाता है, पंजाब सिक्खी के लिए जाना जाता है, पंजाब मर्यादाओं के लिए जाना जाता है, और ऐसी मर्यादाहीनता पंजाब में होना, निश्चित रूप से पंजाब की सरकार को इस बात का एहसास होना चाहिए। उस नाते से ऐसे घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब की कांग्रेस सरकार के राज में हमारे विधायक के ऊपर जिस तरह से मारपीट और अभद्र व्यवहार हुआ है, वो उसको लेकर आज हमने यहाँ पे रोष प्रदर्शन किया है, और इसकी जितनी निंदा की जाए मैं समझता हूँ उतनी कम है। आज हम मीडिया के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जो लोग इस काम के पीछे दोषी हैं उनको सख्ती से लेना चाहिए और सख्त से सख्त उनको सजा देनी चाहिए और सलाखों के पीछे रखना चाहिए। ऐसे में बीजेपी विधायक के साथ इस मार पिटाई के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन जब नेता ही सुरक्षित नहीं तो फिर भला जनता कैसे सुरक्षित होगी? ये सवाल सबसे बड़ा सबसे है। घटना के पीछे कांग्रेस या किसान संगठन नहीं तो फिर आखिरकार कौन? अगर कांग्रेस का इसमें हाथ नहीं है, किसान संगठनों का इसमें हाथ नहीं है, जिस तरह से दोनों ही पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, तो आखिरकार इस घटना को फिर अंजाम किसने दिया? कौन है असल जिम्मेदार? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका भी जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और अहम सवाल ये कि क्या किसान संगठनों को विरोध की रणनीति अब नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे सवाल उनके आंदोलन पर, उनकी रणनीति पर जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, ऐसे में ये सवाल बनना वाजिब है। हमारे साथ इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ है किसान नेता अरुण शर्मा, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए, बहुत स्वागत है सर आपका। सविता सिसोदिया, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुई है, बहुत स्वागत है आपका। आशीष अग्रवाल, हमारे एडिटर, हमारे साथ मौजूद है। कुलदीप सिंह धालीवाल, बीजेपी प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुलदीप जी, आपके पास आते हुए बीजेपी विधायक के साथ ये जिस तरह की घटना घटित हुई, आप लोग जिसे लेकर सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ तथ्य निकलकर अब तक सामने आए हैं? आप लोग किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? किन लोगों ने बीजेपी विधायक पर यह हमला बोला है? किन पर आरोप? देखिए, ये जो कल परसों शर्मनाक घटना जो ये हुई है, पंजाबियत को शर्मसार करने वाली घटना है। इसको कोई भी दल जो है, जिन लोगों ने ये काम किया है, उन लोगों को उठने के लिए तैयार नहीं कि वो लोग हमारे हैं। ना किसान यूनियन उसको बोल रही है कि हमारे लोग हैं, ना कोई
ना कोई विपक्षी दल कह रहा है हमारे लोग हैं, और पंजाबियत को शर्मसार करने वाला काम, सारे पंजाब का सर झुकाने वाला काम जो है ये लोगों ने, कुछ गुंडा तत्वों ने किया है। किसानी का झंडा पकड़कर, किसानी झंडा हाथ में लेकर, पवित्र किसान का झंडा हाथ में लेकर पवित्र आंदोलन को बदनाम करने का भी काम उन गुंडाई ताकतों ने किया। उससे भी आगे जाकर आज उन लोगों ने कुछ और भी थ्रेट्स दिए हैं हमारे लीडर्स के खिलाफ। चौक पे बोला है कि आप जितने मर्जी पर्चे काट दो, हम लोग हरजीत सिंह गरेवाल के साथ भी ऐसा करेंगे। मतलब बाय नेम उन्होंने नाम लिया है। तो पंजाब सरकार बहुत बुरे तरीके से फेल हुई है। इसी एरिया में पहले जेड सिक्योरिटी सरदार सुखबीर सिंह बादल की वॉयलेट हुई थी, तो ये दोबारा दूसरा कांड हो गया। वो चाहे हमारे नेता नहीं, वो अकाली दल के नेता थे, लेकिन पंजाब में गुंडा तत्वों को अपने हाथ में किसानी का झंडा पकड़कर शरेआम कुछ भी करने की इजाजत देना, ये जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार है, ये मैं यानी कि आपका आरोप है ये सब कुछ कांग्रेस सरकार पंजाब में करवा रही है, किसानों के भेष में जो गुंडे वहां पर मौजूद है उनसे करवा रही है, ये आपका आरोप है? डेफिनेटली कांग्रेस भी करवा रही है और कुछ और दूसरे विपक्षी, क्योंकि जैसे ही सारा भी कुछ लोगों के नाम आए हैं सामने, जैसे जैसे नाम आएंगे वीडियोस के बाद सारे जो चीजें साफ हो जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो जो लोग वहां पे हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि किसान यूनियन ने तो बोल दिया कि हमारे लोग नहीं है। जब किसान यूनियन के लोग नहीं है तो किसी पार्टी के लोग हैं, तो किस पार्टी के लोग हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है सविता जी, ये गंभीर आरोप आप पर बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ आप करवा रहे हैं, कांग्रेस करवा रही है, और जिस तरह से किसान आंदोलन की आड़ में आप जिन मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में थे, जब वो सफल नहीं हो पाए तो अब आपकी ये बौखलाहट नजर आ रही है। किसान संगठन ने तो कह दिया है कि भाई इसके पीछे किसान हो ही नहीं सकते, तो ऐसे में सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पर, आपकी सरकार पर पंजाब में। शिल्पा जी, सबसे पहले तो मैं कि ये बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और यहाँ पे हर किसी को बोलने की आजादी है। जी, सीधा कांग्रेस पे इस चीज के एलिगेशन लगा देना बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी पार्टी को इसका जिम्मेवार ठहराना भी बिल्कुल गलत है, और हमारी पार्टी, हमारे जो सरकार है वो इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, FIR की है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं और कुछ लोग बुक हुए हैं इसमें, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि ये लोग कौन थे। बाकी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि फार्मर्स जिस तरह से कह रहे हैं कि उनका ये इस तरह का वो स्टेप नहीं ले सकते, वाकई में वो इस तरह का स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि वो अपनी जो आंदोलन है उसको कमजोर नहीं बनाना चाहेंगे, और जितने भी फार्मर्स के लीडर्स हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि हमें वॉयलेंस नहीं करना है, पर एक फ्लो होती है, एक इमोशन होते हैं जिसमें लोग बह जाते हैं। जो लोग सरहदों पे बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं, जो इतने दिनों से वहां पे संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में उनके उन्होंने अपने अपनों को खोया है, इतने लोग वहां पे शहीद हुए हैं, और वो गुस्सा कहीं ना कहीं वो रोष लोगों के बीच में है, और ऐसे में बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि इस तरह से उनके बीच जाना सही नहीं है। और ये कहना चाहती है बीजेपी विधायक के साथ ये पूरी मारपीट, ये जो घटना घटित हुई है वो किसानों ने की है, किसानों की उस नाराजगी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। नहीं कह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ये पता लगाया जाएगा कि ये किसने की है। ठीक है, मैं सिर्फ ये शिल्पा जी कहना चाहूंगी कि अगर कुछ लोग इसमें वेस्ट में गए भी है, एक इंसान ने नहीं की, चार इंसानों ने नहीं की है, इसमें काफी लोग 300 लोगों पे FIR दर्ज की गई है, और अगर 300 लोग एक वेव में फ्लो किए हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों का रोष है, उस चीज को दबाया जाता है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है संघर्ष में, जो लोग इतने दिनों से वहां पे संघर्ष कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ फायर होना, ऐसे में कौन है ये लोग, इसका जवाब मैं आशीष अग्रवाल जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले अरुण शर्मा आपका रुख करते हुए, लड़ाई यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के बीच की है, हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच की है, लेकिन किसानों का नाम अब बीच में घसीट रहा है, क्या कारण मानते हैं और इस घटना के पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जबरदस्ती किसानों को भी इसमें घसीट देते हैं। हमारे किसी भी नेता ने कभी ये नहीं कहा किसी के साथ हिंसा करिए। अहिंसात्मक हमें लगभग 4 महीने हो गए हैं और बॉर्डरों पर हम बैठे हैं,
हम कभी भी ये नहीं कहते कि किसी को मारो पीटो ये करो, हमारा अहिंसात्मक आंदोलन है। हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं कि आप हमें जो है ना ये तीनों कृषि कानून आप लेके आए बिगर पूछे, ये किसान हित में नहीं है, एमएसपी की हमें गारंटी करके दे दो। हम चार महीने से बॉर्डर पर डटे हुए हैं, हम हिंसक नहीं हैं। हम बार बार सरकार को यही बता रहे हैं, जबरदस्ती किसानों को नाम बीच में थोप दिया जाता है। हाँ। किसानों ने उसको पीट दिया, किसानों ने उसको पीट दिया। लड़ाई कांग्रेस भाजपा करती रहे। हाँ। हमारा हमारी सरकार तो भाजपा भी तो हमारी सरकार है, हमने तो बनाई है, तो हम किस लिए मारपीट करेंगे। हम तो अपनी बात अहिंसात्मक पूर्ण और चार महीने से बिल्कुल शांतिपूर्वक, हाँ ठीक है देश में जा रहे हैं जनजागरण कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं हम किसी की पिटाई कर देंगे। ये बिल्कुल हमारे लोग नहीं हो सकते, जो आंदोलन को भटकाएंगे वो हमारे लोग बिल्कुल नहीं है जी। लेकिन अरुण जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि वैसे तो आप कहते हैं कि देखिए किसानों में इतनी नाराजगी है कि अब वाकई में खुले तौर पर आप लोगों की तरफ से कई जगह कई स्थानों पर बीजेपी की बीजेपी नेताओं के बायकॉट की बात कही गई, बहिष्कार की बात तक कही गई। लेकिन जब ऐसी कोई घटना घट जाती है तो आप सीधा सीधा पल्ला झाड़ लेते हैं, आखिरकार ये कैसे? नहीं उस बिल्कुल आपकी बात ठीक है, रोष जनता में है। अब 40-40 संगठन हाँ? हमारे साथ हैं। हाँ? हमने ये थोड़ी कहा है लोगों को तुम हिंसा करिए, लेकिन जब हाँ? हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो लोग कुछ भी करें, उसके लिए 40 संगठन देश में जिम्मेदार थोड़ी है। हाँ? अगर बंगाल में कुछ होता है किसान कुछ करते हैं वो अपने बीजेपी को गाली देते हैं या केरल में, लेकिन अगर वही संगठन वही तमाम लोग आपके आंदोलन में आपके साथ खड़े हो तो आपको समर्थन मिल जाता है। वही लोग अगर रोष कर दे इस तरह से आक्रोश अपना व्यक्त कर दे हिंसा पर उतर आए तो आप लोग पल्ला झाड़ नहीं, बिल्कुल पल्ला नहीं झाड़ रहे, रोष से पल्ला हम बिल्कुल नहीं झाड़ रहे, लेकिन मारपीट के हम खिलाफ हैं। हमारा अहिंसात्मक आंदोलन है और अहिंसात्मक आंदोलन ही ज्यादा दिन चलता है और उसका कोई ना कोई हल निकलता है। ठीक है, हमें तो हल निकालना है, हमें मारपीट से थोड़ी करके बंद करना है इसको। हाँ। जी चलिए ठीक है, आशीष अग्रवाल जी आपके पास आते हुए, कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, किसान संगठनों ने पल्ला झाड़ लिया, आखिरकार ये जो फिर 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौन है ये लोग, क्या लगता है क्या चल रहा है इस पूरे मामले के पीछे, कौन है असल जिम्मेदार? दिन घटना के बाद बता दिया था कि ये कहीं ना कहीं पंजाब की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन हाँ? अब ये अंतर्राज्यीय मुद्दा हो चुका है, क्योंकि आज जिस तरह से हरियाणा के प्रत्येक जिलों में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है तो उससे साफ तौर पर एक संकेत दे दिया गया है कि इस मुद्दे को बीजेपी इतने ठंडे में नहीं जाने देगी। हाँ? और कांग्रेस को जमकर घेरने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब सिर्फ जांच एजेंसियां ही दे सकती हैं, क्योंकि अभी ये पूरा जो मामला है वो जांच का विषय है, जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ये कह पाना मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी होगी कि जिन्होंने भी बीजेपी विधायक के साथ मारपीट की क्या वो वाकई में किसान थे या फिर वो कांग्रेसी थे या कोई तीसरे और लोग थे, क्योंकि जब तक उनकी पहचान पूर्ण रूप से उजागर नहीं करेगी पुलिस तब तक जो तस्वीर है वो निकल कर नहीं आ पाएगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कांग्रेस को घेरने के लिए। लेकिन जिस तरह से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सभी जिलों के चाहे डीसी की बात करें एसपी की बात करें उन्हें ये अब निर्देश जारी किए हैं कि बीजेपी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ये शायद पंजाब सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था। हाँ। क्योंकि जिस तरह से पंजाब के अंदर किसानों का जो गुस्सा है वो काफी उफान पर देखने को मिल रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज नहीं तो कल ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही थी, लेकिन अगर पंजाब सरकार वक्त रहते ये कदम पहले ही एहतियातन उठाती तो शायद ऐसी। वैसे तो आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि किसान आंदोलन के चलते किसानों के लिए लाए गए उन तीनों कृषि कानून जिसे आप काला कानून करार दे रहे हैं उसके चलते किसानों के बीच नाराजगी है, तो ऐसे में क्या आप लोगों को पहले अंदेशा नहीं था कि ऐसी कोई घटना घट सकती है, तो आप लोग पहले से अलर्ट पर क्यों नहीं थे? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ, क्या वार्तालाप हुई जिसके वजह से इस तरह का रोष आया। हाँ? और इस तरह का घटना घटी, पर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये सही चीज बताई जाएगी कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ। लेकिन हमारी आप जो वीडियोस हैं उसमें भी आएगा कि जब ये शुरू हुआ तो हमारी पुलिस ने पूरी प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि लोग रोष में थे तो ये घटना घटित हो गई। अगर अगर बीजेपी सरकार हमें इस चीज के लिए बोल रही है कि ये कांग्रेस का पार्ट है जो कि इन्वेस्टिगेशन का के फाइनलाइजेशन पे आ रही कुलदीप जी आपसे जवाब आएगी, तो जो दिल्ली में हुआ वो किसका पार्ट है? वो जो दिल्ली में हुआ
केंद्र सरकार क्या इसे सीआईडी का फेलियर मानती है? लाल किले में जाने की अनुमति दी गई थी। ठीक है सविता जी सवाल भी सुनिए। आप जस्टिफाई, ठीक है, आप जस्टिफाई कर रही है, जस्टिफिकेशन दे रही है, आप सवाल सुनिए। सविता जी, क्या आप इसको सीआईडी गुप्तचर एजेंसियों का फेलियर नहीं मानते? क्या सीआईडी के पास ऐसा इनपुट पहले से नहीं होना चाहिए था कि वहाँ पर सीआईडी का फेलियर नहीं है? सविता जी, विधायक को वहाँ पे आने से रोका जाए? हाँ, क्यों वहाँ पे बीजेपी विधायक को वहाँ पर आने से ही रोक दिया जाता तो ये घटना ही नहीं घटती। 300 लोगों के ऊपर आप लोगों ने FIR दर्ज की है, वहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए। RJD के MLA के साथ में बिहार में हुआ वो क्या था? वो तो पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई बिहार में, वो क्या है? बिहार के मुद्दे को आप पंजाब से जोड़ रहे हैं, लोग पहुंचे वो तब पुलिस फेलियर में क्यों गई? सविता जी, आप ये बताइए क्या सीआईडी का इसमें इनपुट था, आप फेलियर मानते हैं? इन चीजों का जवाब दीजिए। क्या मोदी जी को किसानों के पास जाके नहीं पूछना चाहिए कि उनका रोष प्रदर्शन क्यों बढ़ रहा है, ये घटनाएं क्यों घट रही है? मोदी जी को अपने इलेक्शंस की तैयारी। सविता जी, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। सविता जी, तो आप क्या ये कहना चाहती है कि वहां पर जो हुआ वही आप लोगों ने किया तो क्या गलत कर दिया? जिन चीजों को लेकर आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करती है, क्या वही चीजें करके आप अपना जस्टिफिकेशन दे सकती है? आपको ये लगता है कि जनता इसे स्वीकार करेगी? अगर आपसे पंजाब को लेकर सवाल किया जा रहा है उस पर रहिए ना। पंजाब में क्या सीआईडी के पास जो इनपुट था वहां पर आप लोग फेल हुए? आप लोगों ने एहतियातन बीजेपी विधायक को वहां पर आने ही फिर क्यों दिया? इस पर जवाब दीजिए। है जवाब आपके पास? मैं पंजाब की ही बात कर रही हूँ। हाँ, और ये आप जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की बात कर रहे हैं, ये सारे इनको प्रोटेक्शन मिली हुई थी, MLA साहब को प्रोटेक्शन मिली हुई थी, लेकिन वहां पे इनसे क्या वार्तालाप हुई है, किससे इतना रोष वहां पे फैला और इस तरह की घटना घटी, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो बाहर निकल के आएगी और सच सामने आएगा सबके। पर मैं सिर्फ सवाल ये कर रही हूँ कि जो ये हो रहा है, लोगों का रोष निकल रहा है, क्या हमारे PM साहब को इस चीज के ऊपर दृष्टि डालने की जरूरत नहीं है? क्या जितने लोग यहाँ पे शहीद हो रहे हैं फार्मर्स के, क्या वो चुप होके इस चीज को सहते रहेंगे? कितने दिन हो चुके हैं इस चीज को? ठीक है कुलदीप जी, सीधे आप ही लोगों के लिए सवाल है। 4 महीने हो चुके हैं, अब तमाम लोगों का, चाहे उसमें आम लोग हो चाहे उसमें किसान हो, रोष तो फूटेगा, और फूटेगा तो कहीं ना कहीं वो हिंसक रूप भी ले लेगा। हालांकि हिंसा की इजाजत लोकतंत्र में कहीं भी नहीं दी जा सकती, विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है, उसमें हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा फिर भी हो रहा है, क्या जवाब देंगे? आखिरकार अब हद हो चुकी है, किसान आंदोलन पर आपके पास अब भी कोई समाधान नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं विनम्रता पूर्वक अपनी बहन श्वेता जी से, कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने अभी बिहार के साथ कंपैरिजन किया जी, पंजाब की घटना का, मैं तो इसको भी बहुत निंदा, इसकी निंदा करता हूं, बहुत निंदनीय है, क्योंकि पंजाब में एक विधायक को नहीं शर्मसार, हमारी पंजाबियत को शर्मसार किया गया, उसको बिल्कुल अलफ नंगा करके घुमाया गया, और ये बहुत, और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं बहन जी को भी बताना चाहता हूं कि जो ये हमारे विधायक हैं, ये उस एरिया से आते हैं जहां से इनके बहुत बड़े लीडर जीत के आते हैं, जाखड़ साहब पंजाब के प्रधान, उनको नारंग साहब ने हराया था, तो वो कहीं वो वाला गुस्सा तो नहीं निकाला आपके लोगों ने किसान का झंडा पकड़कर? तो आप उसकी तरफ भी जरूर देखिए। और दूसरी बात, जो पुलिस की नाकामी की मैं बात बताता हूं, कि पुलिस को फोन किया गया, वहां पे बैठकर SP साहब ने फोन किया, जो SP साहब साथ में थे, कि भाई हमें और फोर्स चाहिए, तो फोर्स नहीं आई, उन्होंने 4 बार कॉल किया, फोर्स नहीं आई, और बाहर निकलकर विनम्रता पूर्वक लोगों से हाथ जोड़कर, जो हमारे विधायक नारंग साहब थे, 61 साल के बुजुर्ग हैं वो, 61 साल के बुजुर्ग, ठीक है, बुजुर्ग नेता हैं, और वो आराम से प्यार से बात कर रहे थे, और कुलदीप जी सुनिए, आशीष जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुलदीप जी जरा सवाल भी सुनिए, बोलिए आशीष जी। संदीप जी, सवाल जी एक और भी है, कि जब आपके विधायक किसानों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए, तो दूसरी तरफ हरियाणा में, पंजाब में क्यों उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली में जाके क्यों सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं? अगर पंजाब में अरुण नारंग आपके समर्थन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा सकते हैं, तो हरियाणा में आके क्या हो रहा है?
वही उनको वही बीजेपी नेताओं को दिल्ली में आके क्या दिक्कत हो रही है कि वो किसानों का समर्थन नहीं कर रहे। जवाब दीजिए, दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है पंजाब में, डबल स्टैंडर्ड क्यों? नहीं देखिए, कोई दोहरा अशीष जी दोहरा मापदंड भी, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये पंजाब सरकार की नाकामियों के खिलाफ थी, ये कोई किसानों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करने जा रहे हैं, नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब सरकार के खिलाफ थी, जो पंजाब सरकार ने की अपनी नाकामियां गिनाने के खिलाफ थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई भी किसानों से लेना देना नहीं था। अरुण शर्मा आप क्या कहेंगे जी, किसानों के समर्थन में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जाती है, उसके बाद पंजाब सरकार की नाकामियों को गिनवाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों का हर तरीके से इस्तेमाल करने की यहाँ पर कोशिश। बिल्कुल, दोनों ही लोग हमारा भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। किसान कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। हाँ। 26 जनवरी को भी ऐसे किया। हाँ। जबरदस्ती उससे हमें जोड़ के बैठा दें। हमारा 4 महीने पर शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। सरकार को हम अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, किसान कभी भी नहीं लड़ेगा। हम आपको फिर बता रहे हैं, किसान एक हल चलाने वाला आदमी कहाँ लट चलाएगा, क्या क्यों चलाएगा, हमारा देश है। तो मंशा क्या नजर आती है, मतलब किसान आंदोलन को कमजोर करने की? बिल्कुल कमजोर करने की, धराशायी करने की। बिल्कुल, मैंने पहले भी डिबेट में कहा था। हाँ? 26 जनवरी को जो हुआ, हाँ? उसको जबरदस्ती उससे जोड़ रहे हैं। अरे हमने कहा भाई ऐसे मत करो, मैंने कई बार, लेकिन मानते नहीं, आप फिर उसको जोड़ रहे हैं। पंजाब में गुस्सा बीजेपी कांग्रेस का और किसानों को जबरदस्ती जो, किसान आज भी ये कह रहा है कि हमारी बात सुन लो। मैं तो जो भाजपा के प्रवक्ता, अच्छा ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी से क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगी। अरुण शर्मा 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा, विरोध अपनी जगह है लेकिन इस तरह की हिंसा को कभी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, कभी समर्थन नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में कैसे आप लोगों को, तमाम आम जनता की बात कर ले, किसानों की बात कर ले, बेशक से कृषि कानूनों को लेकर रोष हो लेकिन वो हिंसा में तब्दील ना हो, क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल कतई हिंसा नहीं करनी चाहिए, आम जन किसान को भी बिल्कुल हिंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ। शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करना चाहिए, उसका कोई ना कोई हल निकलता है, नहीं तो हाँ। बीच में मूवमेंट टूट जाता है, इसलिए हिंसा ना करें। आशीष अग्रवाल जी आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। देखिए इस पूरे मामले के अंदर पंजाब पुलिस को जल्द से जल्द अपनी जांच पूरी करके जो भी आरोपी हैं उनका पहचान जल्द उजागर करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि क्या वाकई में वो किसान थे या वाकई में कांग्रेसी थे या कोई तीसरे लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे, ताकि इस पूरे मामले में जितनी जल्दी से पर्दा उठेगा, सच सामने आएगा, उतनी जल्दी जितनी बिल्कुल जितनी तेजी के साथ जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, सच सामने आएगा, पर्दा उठेगा, उतना ही फायदा कांग्रेस का होगा। सविता जी देखिए, इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको फास्ट ट्रैक में किया जाए। हाँ? ताकि सच के सामने आ सके। और मैं आखिर में सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि इससे किसका फायदा हो रहा था, ना तो कांग्रेस का इससे कोई फायदा हुआ है, ना इससे फार्मर्स का कोई फायदा हुआ है, तो इसके पीछे कौन है वो इन्वेस्टिगेशन ही बता सकेगी कि इसको किसने इस चीज को इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा वहां पर, आप ही की तो सरकार है। हाँ जी शिल्पा जी, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, सारे तथ्य सही सही सामने रखे जा सके, हमारी सरकार ही चली ठीक है और हम ठीक है फास्ट ट्रैक में करवाएंगे, ठीक है फास्ट ट्रैक में ले जाने की पूरी पूरी तैयारी, ठीक है। कुलदीप जी आपका पहला कमेंट जल्दी से सर। ठीक है सर, ठीक है मैम। कुलदीप जी जी, इसे मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका पूरा फायदा कांग्रेस को हो रहा है, कांग्रेस की फेल सरकार, चार सालों में कुछ नहीं कर पाई, तो उसको ऐसी घटनाओं की और ऐसी चीजों की, ऐसी बैसाखियों की बहुत सख्त जरूरत थी, ताकि वो दोबारा इलेक्शन, बैसाखी की जरूरत असल में थी किसको, ये तो जांच पड़ताल के बाद जब हकीकत सामने आएगी उसी बात उसी के बाद स्पष्ट हो पाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय मेरे पास बस इतना ही था। तो कुल मिलाकर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का किया जा रहा है इंतजार, जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी सच से पर्दा उठता चला जाएगा और हकीकत सामने आएगी कि दरअसल बीजेपी विधायक के साथ ये जो मार पिटाई हुई उसके पीछे था कौन, उसके पीछे किसान थे, उसके पीछे कांग्रेस था या फिर कोई और तीसरा चेहरा होगा बेनकाब, उसके लिए करना होगा इंतजार। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहे जनता टीवी के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस any update.